सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम आपके लिए लाए हैं अनदर इंटरेस्टिंग कंपैरिजन बिटवीन रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स। आज है हमारे पास क्लासिक 350 का डार्क वेरिएंट, जो कि है टॉप सेलिंग वेरिएंट, एंड एक तरफ है ऑल न्यू बुलेट 350 का ब्लैक गोल्ड, जो कि है टॉप वेरिएंट। तो आज हम इन दोनों का डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं, सभी सिमिलरिटीज़ डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे, प्राइजेस के बारे में बात करेंगे, एंड वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कौन सी मोटरसाइकिल लेनी चाहिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड बिफोर स्टार्टिंग, एज ऑलवेज स्पेशल थैंक्स टू मंगलम मोटोकॉर्प चित्तौड़गढ़ द रॉयल एनफील्ड डीलरशिप टू हेल्प अस आउट इन दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो दिस इज़ द रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 डार्क वेरिएंट एंड दिस इज़ द ऑल न्यू बुलेट 350 ब्लैक गोल्ड। स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को एंड स्ट्रेट अवे हम बात करते हैं प्राइजेस की। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिक 350 के डार्क वेरिएंट की। दिस विल कॉस्ट यू अप्रॉक्स 220,000 एक्स शोरूम। ये थी बात इसकी। नाउ कमिंग टू द टॉप वेरिएंट ऑफ ऑल न्यू बुलेट 350 ब्लैक गोल्ड, दिस विल कॉस्ट यू अप्रॉक्स 215,000 एक्स शोरूम। तो प्राइजेस की बात है, ऑलमोस्ट 5,000 रुपये का डिफरेंस है दोनों। ये टॉप है एंड ये है सेकंड टॉप, बट टॉप सेलिंग वेरिएंट है ये। तो 5,000 रुपये का डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ ऐसा प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है। अपीयरेंस की बात करते हैं, तो अपीयरेंस यहाँ पे इधर आपको काफ़ी डिफरेंट अपीयरेंस मिल रहा है क्लासिक 350 के डार्क वेरिएंट में। सभी चीज़ें ब्लैक्ड आउट हैं, एलॉय व्हील्स हैं ब्लैक्ड आउट फिनिश में, एंड इसमें आपको एक मासी लुक मिल रहा है, बल्कि लुक आपको इसमें मिलेगा एंड बहुत ही हार्ड लुक आपको इसमें मिलेगा। अपीयरेंस आता है ब्लैक गोल्ड का, तो यहाँ आपको मिलता है एक क्लासिक लुक। क्लासिक नाम उसका है, बट क्लासिक लुक आपको इसमें मिल रहा है ऑल न्यू बुलेट 350 ब्लैक गोल्ड में, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रोंज स्ट्रिप्स दे रखी हैं हैंड पेंटेड, उसकी वजह से काफ़ी यूनिक अपीयरेंस मिल रहा है और ओल्ड स्कूल वाइब आपको मिलेगी इसमें। यह आपको थोड़ी मॉडर्न मिलेगी और यंगस्टर्स को जो अट्रैक्ट करती है वो ये है, इसीलिए टॉप सेलिंग वेरिएंट है। तो ये थी बात अपीयरेंस की। अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़ की। तो सिमिलरिटीज़ लगभग सभी चीज़ें सेम हैं, यू कैन सी। स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। हेडलैम्प सेटअप सेम है दोनों में, सल्यूट भी मिल रहा है। टाइगर लैम्प ऑलमोस्ट सेम है, इवन पेंट स्कीम भी सिमिलर है, मैट कलर है इसमें भी, मैट कलर है, बट इसमें आपको डुअल टोन ट्रीटमेंट मिलता है ब्लैक गोल्ड में। सो इसमें आपको यहाँ पर कुछ ग्लॉसी फिनिश मिलेगी, यहाँ पे मैट फिनिश है। हियर यू कैन सी ग्लॉसी फिनिश एंड मैट फिनिश, तो वो बात है, बट दोनों ही मैट ब्लैक कलर्स हैं। तो ब्लैक लवर्स के लिए ये वीडियो है, जो ब्लैक मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं रॉयल एनफील्ड की, या तो स्टील ब्लैक ले सकते हैं या फिर ब्लैक गोल्ड ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू द टर्न इंडिकेटर्स, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर ब्लैक फिनिश है, इसमें आपको क्रोम फिनिश मिल रही है, वो एक बात है। एंड यहाँ पे भी एक माइनर सा डिफरेंस है, यू कैन सी जो सस्पेंशन है फ्रंट सस्पेंशन वो ब्लैक फिनिश में है, यहाँ पे आपको ये सिल्वर फिनिश में मिल रही है। अब हम आ जाते हैं सबसे मेजर डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं एलॉय व्हील्स विथ ट्यूबलेस टायर्स, और टायर सेक्शन है 100x90x19, इसमें आपको ट्यूबलेस टायर्स एंड एलॉय व्हील्स एज ए स्टैंडर्ड मिल रहे हैं। उसके अलावा ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट में 300mm की डिस्क है, पीछे 280mm की डिस्क है विथ डुअल चैनल ABS, बाइबर के कैलिपर्स इसमें मिल रहे हैं आपको। तो ये थी बात इसकी। कमिंग टू दिस, सो यहाँ पे आपको एज ए स्टैंडर्ड स्पोक व्हील मिलते हैं, ट्यूब टायर्स हैं इसके अंदर, ट्यूबलेस का ऑप्शन नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो ये एक बात है, ब्लैक आउट फिनिश में रिम है, बट इसका लुक इसी की वजह से अच्छा लगता है, ये जो ओल्ड स्कूल वाइब है, जो क्लासिक लुक है, वो इसमें आपको मिलता है। एंड इसमें भी आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, फ्रंट में डिस्क है, रियर में डिस्क है। तो ब्रेकिंग सेटअप दोनों का सिमिलर है। अब हम बात करते हैं डायमेंशंस की, तो डायमेंशंस भी दोनों की सिमिलर हैं। बात करें क्लासिक 350 की, तो यहाँ पे आपको मिलता है 1390mm का व्हील बेस, 170mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 805mm की सीट हाइट, एंड कर्व वेट आपको मिलता है अप्रॉक्स 194kg का। सिमिलर डायमेंशंस मिलती हैं आपको ऑल न्यू बुलेट 350 में, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं आपको दोनों के डायमेंशंस दिखा देता हूँ। तो ये थी बात डायमेंशंस की। कमिंग टू द चैसी, इंजन दोनों सिमिलर हैं, दोनों में सेम चैसी है, सेम इंजन है। इसमें भी आपको ब्लैक आउट फिनिश में इंजन मिलता है, बट यहाँ पे आपको कुछ ये सिल्वर फिनिश मिल जाती है। इसमें आपको ब्लैक आउट फिनिश में पूरा इंजन मिलता है, कोई सिल्वर विल्वर कुछ भी नहीं है, पूरा ब्लैक आउट फिनिश में इंजन है। यह है जे सीरीज़ का 350cc सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल्ड BS6 फेज 2 कंप्लाइंट इंजन, एंड ये इंजन प्रोड्यूस करता है 20 BHP पावर एंड 27 Nm टॉर्क, और वही सिमिलर इंजन है ऑल न्यू बुलेट 350 में। तो काफ़ी चीज़ें इम्प्रोवाइज हुई हैं। सो ये थी बात इसकी। नाउ कमिंग टू द टैंक,
तो इसमें आपको मैट फिनिश में मिलता है, पूरा मैट फिनिश में ये टैंक। रॉयल एनफील्ड की कुछ इस तरह की बैजिंग है, टैंक पैड आपको इसमें मिल जाता है एंड यहाँ पे कुछ रेड फिनिश में ग्राफिक्स मिल रहे हैं। तो ये थी बात इसकी 13.5 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। नाउ कमिंग टू द न्यू बुलेट 350, तो इसमें आपको मिलता है डुअल टोन ट्रीटमेंट और उसके अलावा ये जो स्ट्रिप्स हैं ये ब्रोंज फिनिश में है, तो ये काफ़ी यूनिक लग रहा है। यहाँ पे आपको ग्लॉसी फिनिश मिलती है या मैट फिनिश है एंड काफ़ी प्रीमियम लोगो मिलता है यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का, और ऊपर से आपको इस पे क्राउन भी मिलता है। तो ये थी बात इसकी, ये वाला टैंक बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगता है देखने में। फ्यूल टैंक कैपेसिटी सिमिलर है, 13.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक है। नाउ कमिंग टू द हैंडल बार एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो ब्लैक्ड आउट फिनिश में हैंडल बार है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं जो क्लासिक में आती हैं वही हैं। यहाँ ट्रिपल नेविगेशन लगाने का स्पेस भी है, USB चार्जर भी है, उसके अलावा सभी चीज़ें ब्लैक्ड आउट फिनिश में हैं। ये जो एंड है ये भी ब्लैक फिनिश में है, इवन द लीवर्स आर ऑल्सो इन ब्लैक फिनिश। तो ये थी बात इसकी, रियर व्यू मिरर्स भी ब्लैक फिनिश में हैं। अब हम आ जाते हैं न्यू बुलेट 350 के ब्लैक गोल्ड पे। तो यहाँ आपको काफ़ी चीज़ें डिफरेंट मिलेगी क्योंकि हैंडल बार क्रोम फिनिश में है, ये तो सिमिलर स्पेस है, उसके अलावा ये सब चीज़ें ब्लैक्ड आउट हैं बट ये आपको क्रोम फिनिश में मिलेगा, ये सिल्वर फिनिश में मिल रहा है, तो ये छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं इसके अंदर। उसके अलावा ये ब्लैक्ड आउट फिनिश में रियर व्यू मिरर है, बाकी सभी चीज़ें सिमिलर हैं। नाउ कमिंग टू द सीट, तो सीट एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों मोटरसाइकिल्स में। सो यहाँ पे आपको मिलती है स्प्लिट सीट फॉर राइडर एंड फॉर पिलियन, तो ये काफ़ी डिफरेंट सेटअप है, इसमें आपको डिफरेंट कंफर्ट मिलता है, डिफरेंट सिटिंग पोजीशन मिलती है। सो ये है ब्लैक्ड आउट फिनिश में ये सीट है। न्यू बुलेट 350 में आपको मिलती है सिंगल सीट रिब्ड पैटर्न के अंदर, काफ़ी अच्छी कुशनिंग है इसकी, कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। इसको राइड करने की वाइब अलग है, इसको राइड करने की वाइब अलग है। आप यूँ सोचेंगे कि दोनों मोटरसाइकिल्स एक जैसी दिख रही हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इनको जब चलाएंगे ना तो आपको डिफरेंसेस का पता चलेगा। तो ये थी बात इसकी। साइड पैनल की अगर बात करें, साइड प्रोफाइल मैं आपको इस साइड से दिखाता हूँ। सो कुछ इस तरह का साइड प्रोफाइल है न्यू बुलेट 350 ब्लैक गोल्ड का एंड इसका हम देख लेते हैं। दिस इज़ द डार्क स्टिल्थ ब्लैक, इसका साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह का है। इसमें आपको काफ़ी जगह ये रेड एलिमेंट्स मिल जाएंगे, इसकी वजह से एक अलग ही कॉन्ट्रास्ट मिल रहा है। यहाँ पे हैं, यहाँ पे रेड एलिमेंट है, यहाँ पे आपको क्लासिक 350 कुछ इस तरह का लिखा मिलता है, पीछे वाले एलॉय पे भी आपको ये रेड स्ट्रिप मिल जाती है। सो यहाँ पे आपको रियर सस्पेंशन भी ब्लैक्ड आउट फिनिश में मिलती है, यहाँ पे भी आपको एलॉय मिलता है एंड इसमें आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं 120x80 18 सेक्शन के। पीछे डिस्क है, डुअल चैनल ABS है, ब्लैक्ड आउट फिनिश में पूरा एग्जॉस्ट है बट किक नहीं है इसके अंदर। ये थी बात इसकी। पीछे का अपीयरेंस कुछ इस तरह का है, डार्क स्टिल्ट ब्लैक का। इसमें ये पीछे वाला ये भी मैट फिनिश में है, मैट ब्लैक फिनिश में मडगार्ड। उसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाती है हेलोजन टेल लैंप, हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स विथ ब्लैक्ड आउट फिनिश। यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टैंडर्ड साड़ी गार्ड, एक्सपोज चेन है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर है, उसके अलावा साइड स्टैंड भी ब्लैक फिनिश में है, ये भी ब्लैक फिनिश में है। तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें ब्लैक फिनिश में हैं इसमें, डार्क स्टिल्थ ब्लैक में। सो ये थी बात इसकी। अब हम आ जाते हैं बुलेट 350 पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट ब्लैक्ड आउट फिनिश में है एंड ये काफ़ी यूनिक है। इसमें भी आपको डुअल टोन मिलता है, दिस इज़ मैट, दिस इज़ ग्लॉसी एंड यहाँ पे आपको बुलेट 350 काफ़ी प्रीमियम लिखा हुआ मिलता है। तो ये थी बात इसकी। सस्पेंशन यहाँ पे आप देख सकते हैं सिल्वर फिनिश में है, उधर आपको ब्लैक फिनिश में मिल रहे थे एंड इसमें आपको स्पोक व्हील मिलते हैं, ट्यूब टायर्स हैं, 120x80 18 सेक्शन है। सो ये थी बात इसकी। एंड पीछे से अपीयरेंस थोड़ा सा डिफरेंट है ब्लैक गोल्ड का। सो यू कैन सी यहाँ पे भी आपको मैट फिनिश में मिलता है ये मडगार्ड बट रॉयल एनफील्ड मिलता है ब्रोंज में लिखा हुआ। हेलोजन टेल लैंप है, हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स हैं सिल्वर फिनिश के अंदर। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड साड़ी गार्ड मिल जाता है, एक्सपोज चेन है एंड इसका भी सभी चीज़ें ब्लैक हैं, ये भी ब्लैक है, साइड स्टैंड भी ब्लैक है एंड साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी आपको इसमें मिल जाता है। सो ये थी ओवरऑल बात इन दोनों मोटरसाइकिल्स के सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस के बारे में। तो इसके भी हमने हैजार्ड लैंप ऑन कर दिए हैं। सो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप स्टिल्थ ब्लैक लेना पसंद करेंगे क्लासिक 350 डार्क एडिशन या फिर आप लेना पसंद करेंगे ऑल न्यू बुलेट 350 का ब्लैक गोल्ड। सो होपफुली अब आपको सभी चीज़ें पता चल गई होंगी डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़ की। प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है बट वाइब बहुत डिफरेंट है दोनों ही मोटरसाइकिल्स की। तो ये थी बात
क्लासिक 350 के डार्क वेरिएंट एंड बुलेट 350 के ब्लैक गोल्ड के बारे में। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द लिटिल बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड ऑलवेज। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज़।